सौ का सौ क्वेश्चन बाहर कैसे हो गया, तो ये नहीं होनी चाहिए। ये जो फोटो खींच करके बाहर किया है, वायरल किया है, तो वो तो हमको लगता है कि नेट पे सर्च करके ऐसे जैमर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा संदेहास्पद स्थिति में है। क्वेश्चन को ना आप इजी कह सकते हैं, ना आप टफ कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। 22/17 बिहार दरोगा का कल मेंस का परीक्षा खत्म हो गया। आपको बता दें कि अब इसमें से चयनित छात्र जो हैं वो फिजिकल देंगे। परीक्षा का रिजल्ट जो है बहुत जल्द घोषित किया जाएगा। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर वे कौन से छात्र हैं जिनको कल से फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अहम जो पड़ाव है वो फिजिकल ही है। कट ऑफ क्या होगा, इसी को लेकर बात करेंगे। सर, क्या सर कट ऑफ रहना चाहिए जिन छात्रों को, अब फिजिकल पर भी ध्यान देना चाहिए, कितने अंक वालों को आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कल परीक्षा हुआ है और परीक्षा लगभग शांतिपूर्ण ही हुआ है, लेकिन फिर भी एक सवाल या निशान बोर्ड के ऊपर खड़ा होता है, और वह यह कि परीक्षा के बाद क्वेश्चन सौ का सौ क्वेश्चन बाहर कैसे हो गया, तो ये नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा आयोग के द्वारा कहा जाता है कि क्वेश्चन जो उनकी संपत्ति है, तो फिर आखिर मोबाइल तो गया ही होगा और ये बाहर हुआ है, हो सकता है कि इसका कोई फ़ायदा भी उठाया हो। हाँ, ये हो सकता है कि अब मान लीजिए जो फोटो खींच करके बाहर किया है, वायरल किया है, तो वो तो हमको लगता है कि नेट पे सर्च करके ऐसे जैमर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा संदेहास्पद स्थिति में है। लेकिन जो है अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से बोर्ड को इस पर भी थोड़ा सा सतर्कता बरतना चाहिए। अब देखिए, कटअप को लेकर के छात्र परेशान है, अब सब उहापोह की स्थिति में है, कितना मार्क आए नहीं आए, कि हम फिजिकल के लिए जाए नहीं जाए, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। तो अभी तो हम विद्यार्थियों से जितना बात किए हैं उस आधार पर जो है हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अगर इस मार्क को जो भी विद्यार्थी क्रॉस कर रहे हैं उसको निश्चित तौर पे फील्ड पकड़ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लड़का के लिए बोल रहे हैं, लड़का जनरल कैटेगरी में जो हैं 73 से 75 के बीच में है, उनको फील्ड पकड़ लेना चाहिए। EWS 69 से 71 के बीच में है, OBC 71 से 73, EBC 68 से 70, SC 63 से 65 और ST 66 से 68। ST का सीट कम रहता है, इसी वजह से ST का कटअप थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये जन मेल यानी लड़कों के लिए बता दिए। वही फीमेल में अगर हम बात करें तो जनरल 60 से 62, EWS 55 से 57, OBC 58 से 60, EBC 54 से 56, SC 50 से 52 और ST 53 से 55। अगर इस मार्क को क्रॉस कर रहे हैं आपको इतना है या इससे ज़्यादा है, तो आपको निश्चित तौर पे फील्ड पकड़ लेना चाहिए। तो ये कटअप को लेकर एक ओवरव्यू है, और आगे हम आपके चैनल के माध्यम से 1 से 2 दिन में अच्छे से सर्वे करके, हज़ारों बच्चों का मार्क ले करके अच्छे से सर्वे करके जो है एक लास्ट में हम आपको 1 से 2 दिन में डाल देंगे। लेकिन ये ओवरव्यू है, लगभग इसके आसपास या इससे ज़्यादा है। कहने का मतलब है सर 75 से पार नहीं जाना चाहिए कटअप? हाँ, नहीं नहीं, उससे पार नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं नहीं जाना चाहिए। लड़का में 75, लड़की में 65। हाँ, मतलब कि इस 73 से 75 में, इस कहने का मतलब है सर कि जनरल में 70 वाले भी सर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये घट भी सकता है? हाँ, घट भी सकता है। और जब कटअप जारी करना हो तो बहुत सारा पहलू को देखना होता है। पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत सारा बदलाव है। पिछली बार जो मेंस का परीक्षा हुआ था वो होम डिस्ट्रिक्ट था, इस बार 3 जिला में है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। एक ये हो गया, होम डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा बर्गलिंग ज़्यादा होता है, आपसी बातचीत ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ है। पिछली बार बच्चों को 1 साल टाइम मिला था तैयारी करने के लिए मेंस का, लेकिन इस बार तो मुश्किल से 4 माह टाइम मिला है। तो बहुत सारा चीज़ काम करता है। सर, क्वेश्चन के बारे में क्या कहना, क्वेश्चन कैसा था कल के एग्ज़ाम का? क्वेश्चन को ना आप इजी कह सकते हैं, ना आप टफ कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ भी नहीं था, कुछ क्वेश्चन इजी था तो एकदम बहुत ज़्यादा इजी ही था, और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और वही सब क्वेश्चन जो है
फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। कुछ क्वेश्चन है जो फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। और सर ये किस दिशा में रहा सर, आपने जो पढ़ाया उसका कितना फ़ायदा मिला छात्रों को, जो दिशा है वो कितना सर अहम रहा कल के परीक्षा को लेकर? देखिए हमारे छात्र की जहाँ तक बात है तो हमारे छात्र तो काफ़ी बेहतर करके आए हैं, और जो पढ़ाया गया है 70 से 80% हमारे क्लासरूम स्टडी मटेरियल से ही है। लगभग जो भी छात्र हमसे जुड़ करके पढ़े हैं उनके पास कॉपी है, किताब है, क्वेश्चन बाहर में है, वो मिला सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है बच्चों का। रात में हम संस्थान पे 11 बजे डिस्कशन के लिए आए थे, क्वेश्चन डिस्कशन के लिए। उस टाइम में बहुत सारे छात्र थे यहाँ पर रात के 11 बजे, तो रिस्पांस और जो भी छात्र थे उनका काफ़ी बेहतर रिस्पांस रहा है। 84, 85, 87, 82, 81 इस प्रकार से। और संस्थान के हॉस्टल में भी 50 लड़का है, उसमें 50% से ज़्यादा लड़कों को 80 या 80 प्लस मार्क आ रहा है। सर रिजल्ट कब तक आने की संभावना है इस मेंस की? सर जहाँ तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट एक माह के भीतर आ जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि मई लास्ट वीक तक में एकदम रिजल्ट आ जाएगा। मई लास्ट वीक का मतलब है कि जून जुलाई से फिजिकल भी शुरू हो जाएगा? एकदम जुलाई में फिजिकल स्टार्ट हो जाना चाहिए। हो जाएगा, हो जाना नहीं चाहिए, हो जाएगा जुलाई में। और जुलाई में अगर नहीं होता है तो अगस्त में तो कोई काटेगा भी नहीं। अगस्त में निश्चित तौर पर जुलाई अगस्त में फिजिकल हो जाएगा। तो रोशन सर हैं बता रहे हैं कि ले देकर जिनका 70 प्लस है जनरल कैटेगरी में और सभी संवर्ग का उन्होंने बताया, वो कल से ही फील्ड पकड़ लें। यानी कि अब सबसे अहम परीक्षा है, अगर आप फिजिकल में दौड़ना कूदना नहीं जानते हैं, अगर आपका सही नहीं है तो फिर सारा स्कोर बेकार है आपका। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जीतोड़ मेहनत अब फील्ड में किया जाए। तो कट ऑफ इन्होंने बताया सर, और अपना देखें, अपना मूल्यांकन करें और उसके हिसाब से आगे के चरण के लिए आप अपने आप को तैयार करें। शुभकामनाएँ हैं आपको। चैनल पर आपको सभी खबरें मिलते रहेंगी।